आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कल रात जब आप और हम अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे तो हड़कंप समझ गया। उत्तर भारत के कई शहरों में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का सबसे तेज झटका पंजाब के अमृतसर में महसूस हुआ। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड के शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहाँ 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। कल देर रात भूकंप के झटके उत्तर भारत में महसूस किए गए, जिसका केंद्र तजाकिस्तान बताया गया और तीव्रता 6.3 मापी गई। तजाकिस्तान में तेज भूकंप, हिल गया उत्तर भारत। श्रीनगर से 617 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में जमीन के नीचे तेज हलचल हुई। शुक्रवार रात 10:31 पर जमीन से 74 किलोमीटर नीचे तजाकिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। तजाकिस्तान से आए भूकंप से भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर सड़क पर आ गए। भूकंप के झटके उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए। उत्तर भारत में जब भूकंप के झटके आए तो क्या माहौल था, आपके स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें बता रही हैं। दिल्ली एनसीआर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में डर का माहौल पैदा हो गया। उत्तर भारत में पंजाब के अमृतसर में सबसे तेज झटके महसूस किए गए। अमृतसर में भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से भूकंप को लेकर चर्चा की। इसके बाद ट्वीट कर कहा, अभी तक अमृतसर या पंजाब के दूसरे राज्यों में किसी नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब पुलिस और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी के सुरक्षित रहने की प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा, दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। और उत्तर भारत में आए भूकंप से फिलहाल किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इतने तेज भूकंप के झटकों से उत्तर भारत के राज्य सहम गए। जब भूकंप आया तो क्या था माहौल, आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। भूकंप के झटकों से सहमा उत्तर भारत। पंजाब के अमृतसर में सबसे ज्यादा असर, इतनी तेजी से भूचाल आया ना कि पहले कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम पे तो ऐसा ही लगा था कि कुछ अजीब सा हो रहा है उसका। भूकंप से दिल्ली एनसीआर में हड़कंप, लोग हैं उनमें से कुछ को भूकंप जो था वो महसूस हुआ और काफी तेज महसूस हुआ। जम्मू कश्मीर के घरों में दरारें। शुक्रवार रात 10:30 जब लोग घर में सो रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे तो उत्तर भारत के कई शहरों में अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का तेज झटका महसूस होते ही लोग घबरा गए। जल्दबाजी में लोग घर के बाहर आए। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सबसे तेज झटके पंजाब के अमृतसर में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक अमृतसर में भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। गुरदासपुर और जालंधर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देख सकते हैं कि भूकंप के झटके महसूस होते ही कैसे लोग अपने घरों से निकलकर सड़क की तरफ भागने लगे। जो दोबारा एक झटका लगा ना, फिर सारे ही सोचे चलो दबा थल्ले। गली में क्या हुआ, मैं पहले ऊपर बैठा हुआ था तो मैं किचन में था तो वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था, फिल्टर हिलने लगा तो मैंने सोचा कुछ हो रहा है शायद। तो बाद में मैं अपने रूम में गया तो रूम में बेड भी हिल रहा था एकदम, तो बच्चे उतर के नीचे आ गए तो मैंने बाहर देखा कि सभी लोग गली में बाहर आगे हुआ क्या कि भूचाल आ गया, इतनी देर भूचाल आ गया। जम्मू कश्मीर के भी कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटकों से घर के पंखे, बल्ब और दीवार पर लटकी घड़ियां हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। बारामूला में तो भूकंप का झटका इतना तेज था कि घरों की दीवारों में दरारें तक आ गई। भूकंप के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे भूकंप के झटकों ने बर्फीले इलाके में हड़कंप मचा दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा,
2005 के बाद आए भूकंप ने मुझे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं एक कंबल के साथ घर से बाहर भागा। मुझे अपना फोन लेना भी याद नहीं रहा ताकि लोगों को बता सकूं। भूकंप के तेज झटके दिल्ली NCR में भी महसूस हुए। अफरा तफरी में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के दौरान नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से आई तस्वीरों को देख सकते हैं, कैसे भूकंप के झटकों से घर की छतों पर लटके पंखे हिलने लगे। मैं यहीं पर था बैंक में, ATM में, तो एकदम से थोड़ा सा झटका था फील, और इट वाज वेरी सीवियर, काफी तेज झटका था। ये बताइए कि भूकंप का झटका महसूस किया था? नहीं, मैं हमने नहीं किया। यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कुछ को भूकंप जो था वो महसूस हुआ और काफी तेज महसूस हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ न्यूज के जरिए पता चला। तो तजाकिस्तान में आए भूकंप से सीमा पार पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग देर रात तक घर से बाहर रहे। ABP News आपको रखे आगे।